अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? सब लोग ठीक ठाक हैं? सेम लाइन जाओ, हाँ, राइट सिग्नल लगाओ आप, अभी इधर राइट सिग्नल, यस, इंडिकेटर ऑफ करो। सो मैंने आपको क्या बताया? अब मैंने बताया पास होने के लिए तीन चीज़ का लाजिम होना चाहिए, ठीक है? अभी मैं इंग्लिश में बताया, हिंदी में बताएगा। यू अंडरस्टैंड हिंदी ना? या आई कैन अंडरस्टैंड लिटिल बेटा, यस, नो प्रॉब्लम, आई विल टॉक टू यू मिक्स। हाँ, सो क्या ज़रूरी है? ज़रूरी ये चीज़ है कि नंबर एक, आपका कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। लाइक आप जहाँ पे स्पीड मोड काट रहे हो, कहीं पे भी टर्न काट रहे हो, ठीक है, आपने स्पीड देनी है, स्लो नहीं जाना, लेकिन स्पीड इतनी देनी है कि आपकी गाड़ी जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। आउट ऑफ कंट्रोल कैसे? आप मोड काट रहे हो, गाड़ी शेक ना करे थोड़ा सा भी। अगर थोड़ा भी शेक करेगा तो वो आपका कंट्रोल का मिस्टेक आएगा, नंबर एक। नंबर स्ट्रेट जाना है आपको, हाँ। नंबर दो, आप राउंड अबाउट काटते हो, राउंड अबाउट में गाड़ी मोड काटने में भी इतना स्लो नहीं आना चाहिए, बिल्कुल स्लो नहीं आना चाहिए, स्पीड करो, लेकिन इतना स्पीड आना चाहिए कि आपकी गाड़ी आउटर लाइन को टच ना करे। मालूम हो गया? ठीक है। दूसरा बात ये है, स्लो करो इधर रुक्स में। दूसरा बात ये है, आपको रूल पता होना चाहिए, जैसे लाइक ये स्टॉप साइन है, ये सिग्नल है, स्टॉप साइन पर रुकना है आपको, गिव वे पर जाना है, प्रॉपर शोल्डर चेक करना है, नीचे वाला लाइन चेक करना है, रूल्स का कोई भी गलती है, ठीक है, वो आपको मालूम होना चाहिए। नंबर तीन, आपका फेस के ऊपर ऐसा डर नहीं आना चाहिए, स्केर्डनेस जैसे प्रेशर है, प्रेशर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल फ्री माइंड के साथ रिलैक्स होके गाड़ी चलाओ, ठीक है। ये तीन चीज आप अच्छा करेगा तो आप पास हो जाएगा। मैं कोशिश करेगा, आपका 19 में टेस्ट है, जाओ जाओ जाओ, मैं पूरा कोशिश करेगा आपको जो है ना पास होना चाहिए आपको इस दफा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, बाकी देखते हैं, ठीक है। चले सीधा जाएं आप सेम लाइन में। अब देखिए, जब हम सिग्नल से निकले हैं ना, तो ये रोड की लिमिट है 40, 40 है, ठीक है, ये इनर साइड 40 लिखा है ना, आपने ये 40 को जल्दी से टच करना है, ठीक है, 0 to 40 आपने जल्दी आना है। जल्दी आने से क्या होएगा, पुलिस को, एग्जामिनर को पता होएगा, आप ऑलरेडी मालूम है आपको, ऐसा डरता नहीं है, ठीक है, और पांव को होल्ड करना है, तीन स्टेप में आपको एक्सीलेटर बढ़ाना है, थोड़ा देना है, थोड़ा देना है, थोड़ा देना है, राइट जाओ यहाँ से। वो व्हाइट लाइन है, वो व्हाइट लाइन को अवॉइड करना है, इसके ऊपर से टच नहीं करना है आपको, ठीक है, दूर से देखो, स्मार्ट ड्राइव करो। स्मार्ट ड्राइव क्या होती है, जाओ सीधा जाओ, पहले अभी लेफ्ट इंडिकेटर लगाओ, चेक करो, फास्ट करो, फास्ट करो, जगह है भाई, वो जगह नहीं दे रहा, कोई बात नहीं है, वेट कर लो, अभी वेट करो, पहले जगह था हमारे पास, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, वो सिग्नल ओपन है उधर से, सिग्नल ओपन है तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जो गाड़ी सिग्नल से आ रहा है ना, वो फास्ट आ रहा है, हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अभी शोल्डर चेक किया, चलो जाओ, इंडिकेटर ऑफ करो, शाबाश, सेम लाइन में सीधा जाओ, जाओ जाओ जाओ। देखो ना आप अभी स्पीड, ये 60 का रोड है, इस ये रोड में अगर आप आएगा तो स्पीड तेज करो, पीछे साइन बोर्ड देखो, उसके हिसाब से तेज करो, लेफ्ट जाओ, स्लो गाड़ी नहीं चलाओ ज्यादा यार, लिमिट के हिसाब से चलाओ गाड़ी, ज्यादा स्लो चलाएगा वो भी अच्छा नहीं है, यू टर्न करो राउंड अबाउट से, अभी मैं आपका कंट्रोल चेक करेगा राउंड अबाउट का, यहाँ से राउंड अबाउट में सिचुएशन रीड करो, स्लो करो, और भी स्लो करो, यहाँ से देखो राउंड अबाउट में क्या चल रहा है, आपको क्या करना चाहिए, और भी स्लो करते जाओ साथ, देखो उधर वो गाड़ी आ रहा है, इसको देखो, चलो अब अपना एरिया टारगेट करो, ये मेरा हाथ देखो आप, इधर ये एरिया आपका, ये लाइन के साथ साथ में जाना चाहिए, गाड़ी जितना हो सके उधर गैप छोड़ो, ये फुटपाथ में गैप छोड़ो, जितना गैप छोड़ेगा आपका गाड़ी अच्छा आएगा, जितना फुटपाथ के पास जाएगा ना, उतना पुलिस भी डरेगा, आप भी डरेगा, यहाँ से स्पीड तेज करो, ये कॉर्नर से गाड़ी सीधा करो, ऐसा कॉर्नर कॉर्नर कॉर्नर, स्पीड बढ़ाओ भाई, सही नहीं है आपका, राइट आओ, आप एक्सीलेटर ऐसे ऐसे क्यों देते हैं, ऐसे ऐसे होल्ड करो, उसको इंक्रीज करो भाई, जैसे जैसे आपका स्टेयरिंग, देखो हाथ का और पाँव का कॉम्बिनेशन आता है, कॉम्बिनेशन क्या है, जितना आप शार्प कट करेगा ना, उतना स्पीड कम दो, एक्सीलेटर कम दो, जितना आप लॉन्ग कट लेगा, ज्यादा लंबा कट लेगा, उतना आप एक्सीलेटर ज्यादा दो, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल आता है ना, मैंने आपको बताया ना, स्पीड और कंट्रोल दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए,
जहां आपका कंट्रोल अच्छा है राइट जाओ, जहां आपका कंट्रोल अच्छा है वहां आपकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, जहां आपकी कंट्रोल अच्छा नहीं है वहां स्पीड कम होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ गई? उम्मीद है जी आपको भी समझ आई होगी। अब नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह अगले टॉपिक पे बात करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है न्यू स्टूडेंट्स के लिए, आप मेरी इन बातों को फॉलो करोगे आपके लिए ड्राइविंग बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।